वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस नेचर, क्यूट, रूड, नॉटी, किस तरीके का होगा या वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर वन, पाइल नंबर टू। पाइल नंबर वन को आप पीस से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर टू आप हैप्पीनेस से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर वन अगर आपने पीस को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस का नेचर किस तरीके का रहेगा। अरे यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है हैंग वुमेन, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द एम्प्रेस और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कंप्लीशन, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स गोइंग विद द फ्लो, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फ्लावरिंग, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल सॉरी, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन न्यू विजन। ओके, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है आपके स्पाउस का नेचर ये आ रहा है कि एक लविंग पर्सन है और सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि ये आपके पास्ट लाइफ के लवर या हस्बैंड या वाइफ होंगे, इस तरीके की एनर्जी है। ये पर्सन एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा यकीन रखते होंगे लेकिन लविंग पर्सन है। कभी कभी आपको छेड़ना, आपको पैशनेट तरीके से तंग करना, वो चीज़ भी रहेगी। आपको परसेप्शन जो है इस पर्सन की तरफ चेंज होगा। शायद आप ये सोचते होंगे कि सभी जो है खड़ूस होते हैं या अपने नहीं चलने देते हैं या फ्रीडम नहीं देते हैं या बात नहीं करते हैं या बार बार टोकते ही रहते हैं, इस तरीके के हस्बैंड होते हैं या वाइफ होती है, जैसे भी आप स्पाउस के लिए सोच सकते हैं। लेकिन आपका जो स्टीरियोटाइप है ना, वो चीज़ जो है वो आपकी बदलेगी। आपको ये महसूस होगा कि नहीं, ये हस्बैंड जो है या ये वाइफ जो है वो मेरी ऐसी नहीं है कि ये जो है मुझे हर बात पर टोके या जो है हर बार 10-10 मिनट बाद जो है फ़ोन करे। कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे है। यहाँ पे जो है आपको वो देखेंगे कि आप एक नर्चरिंग पर्सन हो, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, किस तरीके की आपसे सोच है, आप फैमिली को लेकर चलना पसंद करते हो और आपको ये भी है यकीन कि जो आपके स्पाउस होंगे वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। इतना विश्वास जो है वो आपको आ जाएगा उनके बिहेवियर को देखते हुए, उनके एक्शंस को देखते हुए। तो ऐसी एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स जो है वो यही एनर्जी है कि ये पर्सन जो है वो आपको इस तरीके से देखेंगे कि आपको नर्चर करना या एक केयरिंग दिखाना या इमोशनली जो है आपसे इन्वॉल्व होना, वो उनका कर्तव्य है। तो ऐसी एनर्जी है। ये पर्सन ऐसे नहीं है कि ईगोस्टिक होते हैं या फिर जो है आपको हमेशा बुरा बुरा कहें या फिर आपकी हमेशा कमियां ही निकालते रहें, तो ऐसा पर्सन ये नहीं होंगे। आपको जो है ये चीज़ महसूस होगी कि कुछ हद तक ये लगेगा कि आपको एक लकी पर्सन मिले हैं कि वो आपके बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं और ना ही जो है वो आपके लिए ऐसा करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपकी कमियों को कुछ हद तक छुपाएंगे भी। जैसे अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो वो चीज़ जो है वो लोगों को नहीं बताएंगे, या आपके मन में जो है किसी के लिए जो है थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग है तो वो उस पर्सन को नहीं बताएंगे। वो कहेंगे कोई बात नहीं, बोल दिया छोड़ो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो ये पर्सन जो है काफ़ी क्यूट पर्सन होंगे और दिखने में भी चॉकलेटी ये पर्सन हो सकते हैं। इनके फीचर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक राउंडेड होंगे या फिर जैसे यंग शाहिद दिखते थे तो ऑलमोस्ट उस तरीके से। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे लग रही है मुझे। और ये पर्सन जो थोड़े से नॉटी भी होंगे, आपको कभी कभी तंग करना, आपको जो है थोड़ी सी इस तरीके का बिहेवियर दिखाना या महसूस करवाना कि अरे ये करना चाहिए था या ये करना चाहिए था, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। हालांकि ये वाइज पर्सन भी होंगे। एस ऑफ कप्स आया है यहाँ पे, वर्ल्ड का कार्ड आया है, कंप्लीशन आया है, फ्लावरिंग आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो ऐसी एनर्जी है कि आपका जो परसेप्शन था ना, मैं जैसे रिपीट कर रही हूँ वो चीज़ जो है वो ये चेंज कर देंगे हर हालत में कि ये चीज़ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होते हैं स्पाउस या आपने जो सुना था वो होते हैं स्पाउस। तो ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे शांति रहेगी, कलेश इस पर्सन को भी पसंद नहीं है, हर चीज़ में ईगो घुसाना ये भी पसंद नहीं है। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा वाइज होंगे। इनको जो है किताबें पढ़ने का शौक़ होगा या फिर जो है मूवीज़ देखने का या कल्चरली जो है वो सारी कुछ चीज़ों को महसूस करने की भी इच्छा होगी। तो ऐसी एनर्जी है कि सब कल्चर की जो है वो इज्जत करते होंगे। कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है या बायसनेस नहीं है कि भाई ये मेरा कल्चर है वही सुप्रीम है। तो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड ये पर्सन होंगे और ये जो है आपको पूरा मौका देंगे। आपको बिजनेस करना है, आपको जॉब करना है, जो भी करना है आप करो, आपको रोकेंगे नहीं, उल्टा एनकरेज करेंगे। तो इस पर्सन के लिए लव जो है या रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टाइम पास करना, चीटिंग करना, ये सब जो है इन्हें नहीं आता है। ना ही वो झूठ बोल पाएंगे, ना ही वो झूठ बोलना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपके स्पाउस का नेचर जो है वो क्यूट और वाइज होएगा और वो कभी कभी जो है नॉटीनेस करेंगे,
लेकिन ज़्यादातर जो है वो क्यूटनेस रहेगी या विजडम रहेगी, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है पीस, जो आपने चूज़ किया था, आई एम बींग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जी। तो नेगेटिव एनर्जी को अपने पास जो है वो नहीं आने देते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। तो आपकी ग्रोथ हो या उनकी ग्रोथ हो, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने वालों में से हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट द मूवमेंट। तो यहाँ पे चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में कि सब कुछ जो है वो अपने मूवमेंट के साथ जो है वो ग्रो होता है, इवॉल्व होता है, उसमें कोई भी चीज़ जो है वो ज़बरदस्ती डालने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। प्रॉस्पेरिटी, तो प्रॉस्पेरिटी रहेगी लाइफ में। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए मीटिंग ऑफ सोल, तो आप दोनों की जो है वो एक तरीके से सोल पर्पस या ये कह सकते हैं सोल फैमिली जो है वो क्रिएट होगी। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द पैशन इज टू मच, तो यहाँ पे पैशन भी रहेगा आप दोनों के बीच में, ऐसा नहीं है कि पैशन नहीं है, लेकिन क्यूटनेस और विजडम जो है वो ज़्यादा रहेगी। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक जो है हनी भी आई है और यहाँ पर जो है एक कैमरा आया है, तो ये पर्सन को जो है शूट करना, वीडियो बनाना ये सब पसंद होगा। और यहाँ पे हनी भी आई है तो काम करना पसंद होगा या काम के बारे में ज़्यादा सोचना पसंद होगा और उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाना ये भी पसंद होगा। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। आंखें भी होती हैं दिल की जुबां, हासिल मूवी का है, देख लेना कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए दिल से दिल तक, लक्ष्य कपूर, देख लेना कौन सा गाना है, किसी लक्ष्य कपूर ने गाया है या कंपोज किया होगा, जैसे भी होगा देख लेना, दिल से दिल तक है। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो उनके मन में रहेगी। वो क्वेश्चन ये था कि वो किस तरीके के नेचर के होंगे, तो वो क्यूट और वाइज पर्सन होंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग और एनर्जीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पाइल नंबर 2, अगर आपने हैप्पीनेस को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस का नेचर किस तरीके का रहेगा। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नथिंगनेस, हायरोफेंट है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द मास्टर। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स, द ड्रीम। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द बर्डन। और नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वाइज पर्सन होंगे। इस पर्सन के पास जो है वो स्पिरिचुअल तरीके की एक विजडम है। यहाँ पे जो है ये पर्सन जो है वो, हालांकि आपको जो है वो पाइल नंबर 1 भी देखना चाहिए, कुछ हद तक जो है सिमिलर ही है, एनर्जी जो है वो कंटिन्यू हो रही है। ये पर्सन जो है अपने आप में खुश रहना पसंद करते होंगे। इस पर्सन को जो है ये काफ़ी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला ये पर्सन होगा, बहुत तेज़ी से जो है भागने वाले पर्सन नहीं होंगे। इस पर्सन को पता है कि क्या उनको चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो वो उसी हिसाब से चलते हैं। ये कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा पार्टी में जाना, टाइम पास करना इस पर्सन को पसंद नहीं होगा। इनका नेचर जो है काफ़ी हद तक रिजर्व्ड है या इंट्रोवर्ट है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे लग रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये दूर तक जो है वो अपने भविष्य को देख पाना पसंद करते हैं या सोचते हैं कि मेरा भविष्य ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा होगा, कुछ ऐसी एनर्जी है। फोर ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे आया है। फोर ऑफ वॉन्ड्स जो है हमेशा सेलिब्रेशन को दिखाता है या पार्टिसिपेशन को दिखाता है कि एक्सट्रीम नेचर भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, लेकिन उसका एक बैलेंस ये पर्सन क्रिएट कर पाते हैं। काफ़ी बैलेंस्ड, रिजर्व्ड पर्सन है, प्राइवेट पर्सन है। ये पर्सन को जो है एडवेंचर करना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाना, घूमना, फॉरेस्ट में घूमना, या इस तरीके की साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ना, ऐसी एनर्जी है। या जो वो आता है जो क्राइम से रिलेटेड चीज़ें या डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, वो चीज़ पढ़ना उसका जो है वो पसंद होगा। ये एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो किसी कंट्री की कल्चर हो, खाना पीना हो, वो सब चीज़ें हैं।
नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेशेंस भी है यहाँ पे इस पर्सन में, एक इमोशनल वेलबींग की समझ है, हाई आईक्यू है और ईक्यू है। ईक्यू होता है इमोशनल क्वोशेंट होता है, आईक्यू जो होता है वो इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है। तो इस पर्सन को जो है ये टॉपर रहा होगा या रही होगी अपने टाइम पे, और अचीवर भी रहे होंगे, लेकिन इमोशनली भी जो है लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, इन्हें समझ आता है कि किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं। तो आपके लिए काफ़ी केयर करेंगे, आपके इमोशंस की जो है कद्र करेंगे, और आप जब भी इमोशनल होंगे तो ये पर्सन जो है वो आपके आसपास ही रहेंगे और आपको समझेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं कि ये तो शिकायत रहती है कि ये तो मुझे कुछ समझता ही नहीं है या मेरी भाषा को ही नहीं समझता, ये पर्सन हमेशा समझेंगे आप कैसा फील कर रहे हो। वो इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा या रखेगी, जो भी जेंडर हो। तो इस पर्सन के मन में जो है एक ऐसी एनर्जी, एक स्पिरिचुअल दो एनर्जी है ही, लेकिन यिंग यंग वाली जो है एनर्जी है यहाँ पे। आप दोनों बेशक डिफरेंट नेचर हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद आपके साथ फ्लेक्सिबिलिटी रखना, एडजस्टमेंट करना, और आपके साथ जो है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को क्रिएट करना, ये इस पर्सन के लिए प्रायोरिटी होगी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ऑनेस्टी, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि लोगों से तो वो उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जो है बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी दिखाएंगे, लेकिन अपने आप से ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। तो यहाँ पे एम्पैथी है, सबकी बातों को सुनना, सबके लिए जो है वो भावनाएं रखना या उनको हर्ट ना करना, ये इस तरीके के पर्सन होंगे। लास्ट आ रहा है हैप्पीनेस, जिससे आपने चूज़ किया था, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मींस दैट आई एम ऑन अ राइट पाथ। हैप्पीनेस रखना, आपके साथ फ्रेंडशिप रखना, खुशी को शेयर करना, ये सब चीज़ें जो है इस पर्सन को पसंद होंगी। और इनका नेचर जो है वो थोड़ा सा नॉटी होगा और थोड़ा सा वाइज पर्सन होगा, रूड ये नहीं होंगे, लेकिन कभी अगर किसी ने पंगा ले लिया तो ये रूड पर्सन भी हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। प्रोटेक्शन, तो आपके लिए प्रोटेक्टिव रहना, ये सब जो है वो इस पर्सन को पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए और एक फील्ड, योर वाइफ इज़ अ गिफ्ट। तो वो जो है ऐसा सोचेंगे या आप जो है ऐसा सोच पाओगे कि ये पर्सन जो है इतना स्पिरिचुअल है, या जो भी उनका जेंडर हो, जिससे जो है ये आपको महसूस करवा पाएंगे कि आप जो है वो इस पर्सन के लिए एक गिफ्ट की तरीके से हो, और ये पर्सन भी आपके लिए गिफ्ट की तरीके से, तो ऐसी चीज़ है। और नेक्स्ट आ रहा है, लास्ट है आपके लिए, एक्सेप्ट योर ब्लेसिंग्स। तो ईश्वर जो है वो आपको इस पर्सन से मिलवाएंगे और आपकी लाइफ में आएंगे, और आपको खुशी महसूस होगी। जो ज़्यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि ये इंसान मुझे नहीं समझता, मेरा पति मुझे नहीं समझता, वो चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। पति या पत्नी जैसे भी ले लो, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होगी, ये पर्सन आपको डीपली समझेंगे। चलिए देखते हैं कुछ चांस। एंजल का प्रोटेक्शन आया है, यहाँ पे एक कटर आया है, और यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर भी आया है। तो ये वही चीज़ है कि सब कुछ सही हो जाएगा, और सबके लिए प्रोटेक्शन है, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। आज दिन चढ़िया लव आजकल का है, देख लेना कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा आपके लिए, चोरी किया रे जिया, दबंग मूवी का, देख लेना कौन सा गाना है। तो इस तरीके गाने जो आपके डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे, और आपको भी ऐसा ही महसूस करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।